बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाए उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचने वाली है, और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबेती कैंप इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर हम देखें तो बहुत सी तब्दीलियाँ इस टेस्ट मैच के हवाले से होती हुई नज़र आई हैं। फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया गया है और उसकी जगह पर हमने देखा कि अगर फास्ट बॉलिंग के शोबे की बात करें तो मोहम्मद आमिर जो है टीम से सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, उसकी जगह जो है हम देखते हैं मोहम्मद अली टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करें हॉकी के हवाले से तो साउथ अफ्रीका के लिए पाकिस्तान की हॉकी कौमी हॉकी टीम जो है रवाना हो गई है, और पाकिस्तान की थोड़ी सी मुश्किल जरूर रही हॉकी की टीम के लिए, लेकिन वो हल होती हुई नजर आई है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट मजहर आवान साहब, उनके साथ साथ मौजूद है अदनान अशरफ साहब जो सबका इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है, उनके साथ मौजूद हैं तलत महमूद साहब जो डायरेक्टर कोच है केडीए हॉकी टीम की। तो आज हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट के साथ साथ हॉकी को भी बहुत ज्यादा बात करते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल साहब का प्लेयर भी मौजूद है, हॉकी के कोच भी मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले मजहर साहब के साथ आते हैं। मजहर साहब, कौमी टीम का ऐलान हुआ पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का टेस्ट मैच के लिए, और उसमें हम देखते हैं फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया गया। समझते हैं कि एक सीरीज की नाकिस परफॉर्मेंस पर टीम से ड्रॉप करना जाती नहीं है फवाद आलम के साथ? बहुत शुक्रिया सर आपका। दरअसल जो है ना, ज्याती तो अपनी जगह पे है, दरअसल उसको लेना ही नहीं चाह रहे थे शुरू से, जब वो उसने कम बैक किया 10 साल के बाद किया और उसने आके परफॉर्मेंस दी। वैसे ही आप जो है ना किसी भी प्लेयर को एक एक सीरीज में जो है वो जो है ना बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुसलसल जो है वो जब उसका कम बैक हुआ और उसने आके बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान को कितने टेस्ट में जितवाई भी। मगर हमें यहाँ पर अफसोस इस बात का होता है कि वो ये इस इंतजार में थे कि कब जो है वो एक दो इनिंग्स में लगातार जो है फवाद आलम जो है फेल हो और हम उसको उठा के बाहर कर दें, हमारे पास रीजन बन जाए। देखें उसके साथ साथ अगर जो है ना, अगर आपने फवाद आलम को अगर आपने बाहर किया है तो उसके साथ जो है ना अजहर अली भी तो शामिल है। आप अजहर अली को क्यों नहीं शामिल जो है ना उसको बाहर किया? अगर आपने जो है ना चीजें चाह रहे थे कि भाई आपके पास जो लड़के जो फेल हो रहे हैं उनकी जगह जो है रिप्लेसमेंट करें, रिप्लेसमेंट कैसी की आपने? यहाँ पर हमारे पास बजे बदकिस्मती हमारी ये है कि रिप्लेसमेंट हमारे हम जो प्लेयर जो सीनियर प्लेयर हैं या जूनियर अपकमिंग जो प्लेयर हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि सुबह उन्होंने टेस्ट मैच खेलना है, सुबह वनडे खेलना है, सुबह T20 खेलना है या नहीं खेलना, या हमको जो है ना इस सीरीज़ में बाहर होगा। हम कभी सोच सकते थे कि फवाद आलम को अपनी होम सीरीज़ में बिठा दिया जाएगा? देखें आपको इस वक्त आपकी बैटिंग लाइन जो है इतनी मजबूत नहीं है, और फवाद आलम जो है मिडिल ऑर्डर में, हम जो है ना T20 में भी शोर शराबा करते हैं मिडिल ऑर्डर नहीं है, अब आपके पास जो है वनडे में भी कहते हैं मिडिल ऑर्डर नहीं है, अब आपने एक और जो है ना जुल्म ये कर दिया, आपने मिडिल ऑर्डर में एक तजर्बाकार प्लेयर को बाहर कर दिया। ये जो है ना आपने बहुत बड़ी जाती है। अगर आपने उसको बाहर करना था आप उसको खिलाते, कम से कम ये चांस जरूर देते कि ये जो है ना आपकी होम सीरीज है, होम सीरीज में वो अगर परफॉर्मेंस नहीं करता फिर आपके पास जवाब बनता है कि भाई बाहर। आपने जो है नए लड़के को इंडक्ट कर लिए, हमारे यहाँ जो है नए लड़कों को भी इंडक इस तरह किया जाता है कि उनके ऊपर प्रेशर डाल दिए जाते हैं। फवाद आलम इस वक्त मैं नहीं समझता कि जो है इस वक्त बाइट में बैठने वाला प्लेयर था। उसने बड़ी मुश्किलों से 10 साल जदोजहद करने के बाद, उसने अपने आप को फिट रखने के बाद वो जो है टीम में वापस आया, और अभी आपने उसको टीम में वापस आने के बाद किसी भी प्लेयर्स का कमबैक करने के बाद 5 सेंचुरियां स्कोर करना मायने रखता है, और उसके बाद पाकिस्तान को मुतअद्दिद फतवाहात भी उन्होंने दिलाई है, लेकिन ऐसी चीजें शायद सिलेक्टर की नजर में काउंट होती हुई नजर नहीं आती। देखें यही तो हम ये देखें एक तो सिलसिल होना चाहिए, जो हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं जो PCB के अंदर जो है ना जो बैठे हुए लोग हैं सेलेक्टर हैं या जो भी पीछे जो माइंड सेट बनाने वाले लोग, उनको ये चीज पीछे करके तो देखनी चाहिए, क्योंकि वो एक सीरीज के ऊपर ही एक प्लेयर को डिसाइड कर लेते हैं। बाज़ लोगों को तो 4-4 सीरीज 5-5 सीरीज दे देते हैं और उसके बाद जो है ना उनको ड्रॉप नहीं करते। अभी अब यहाँ देखने का अभी जो टीम हमने सिलेक्ट की है उसके अंदर आपके पास तजर्बाकार प्लेयर कहाँ पर है? इस वक्त इंग्लैंड की जो टीम आ रही है, आप जो है उन आपको ऐसा जो है बैटिंग लाइन आपको चाहिए थी या ऐसी बॉलिंग लाइन चाहिए थी जो एक तजर्बाकार हो। आप जो है जो है ना T20 की जो टीम है आप उसको नई टीम बनाएं, ना कि आप टेस्ट की टीम को नया बनाएं। आपने अगर रिप्लेसमेंट करनी है तो एक एक प्लेयर को बाहर करें। आप जो लड़का आप समझते हैं कि अजहर है,
अज़र ने पिछले जो है कितने सीरीज में जो है ना रन नहीं किए, आप उसको रेस्ट दें, उसकी जगह दूसरा प्लेयर लेकर दें। फवाद आलम ने तो एक सीरीज में रन नहीं किए और आपने पकड़ के बाहर। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे, फवाद आलम के साथ साथ दीगर और प्लेयर जो मुंतखब हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। अब अदनान साहब के पास आते हैं। अदनान साहब, आप सबका इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर ओलंपियंस की बात करें तो कराची में आपको सबसे ज़्यादा ओलंपियन नज़र आएंगे, लेकिन कराची की हॉकी की तबाही का जिम्मेदार किसको ठहराते हुए नज़र आते हैं आप? जी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। असल बात यह है कि जितने भी ओलंपियंस हैं वो हमारे सारे सीनियर्स हैं और हमारी बड़ी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, क्योंकि ओलंपिक खेलना कोई मामूली बात नहीं होती, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी गेम खेलना कोई मामूली बात नहीं होती। असल चीज़ यह है कि हम अपने ज़ाती मफादात को छोड़ के अगर हम उसको विजनरी तौर पर देखें, यानी एक कंट्री लेवल पर सोचें, तो हम ये सबसे पहले तो सारे ओलंपियंस से मेरी इस प्लेटफॉर्म से एक इस्तदा है, और तमाम अपने जो मेरे साथ खेले हैं या मेरे से पहले खेले हैं, सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली हॉकी को कैरियर ओरिएंटेड गेम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह अभी करंटली ये पाकिस्तान हॉकी टीम गई है और जो सूरत हाल सामने आ रही है, तो उससे ये मुझे बताइए कि एक प्लेयर जो इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर कर रहा है, और वो अभी वो 8 से 10 प्लेयर नए हों जिनको मैच प्रैक्टिस की भी प्रॉपर जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है, उनका माइंडसेट या उनकी मेंटल टफनेस कहाँ होगी? उनको मेंटली आपको जो है कंफर्ट जोन में लेके आना है। जब तक किसी भी प्लेयर को, किसी भी एथलीट को इंटरनेशनल लेवल पे आप मेंटली तौर पे कंफर्ट जोन में लेके नहीं आएंगे, तो उस वक्त तक वो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं दे सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक समझ लें आपके एक बहुत ही अच्छी खबर है कि पाकिस्तान किसी न किसी पोजिशन पर आया, थर्ड पोजिशन पर आया। अब मसला यह है कि जो हमारे साथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं इन तमाम ओलंपियंस से और तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स से, मेरे से जो सीनियर हैं, मेरे साथ के हैं, मेरे से जूनियर हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हॉकी को कैरियर ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करें। जब ये कैरियर ओरिएंटेड बनेगी तो आप देखिएगा फिर इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जो है बहुत बड़ा। किस तरह आएगी ये अदनान साहब? हम देखते हैं कि जिस तरह फेडरेशन की आप बात कर रहे हैं, जो पिछली फेडरेशन थी और नई फेडरेशन आई, वो कहती है कि हमारे पास जो फंड्स थे वो नई फेडरेशन ये कहती नजर आती है 560 रुपए हमारे पास अकाउंट में थे, तो किस तरह हम फिर लेके चलेंगे? देखिए यही वो वजह है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक इसको कैरियर ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम जब 80s 90s की हॉकी देखते हैं तो उस वक्त हमारे पास जॉब्स थी और एक डिपार्टमेंट के पास 30 से 40 प्लेयर थे, और वो 30 से 40 प्लेयर जूनियर और सीनियर लेवल पे नेशनल डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर था, प्लेइंग स्ट्रक्चर, उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे, तो वो सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे, 10 से 12 डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करते थे। अब मसला ये है कि ये जो मसला है ये हर फेडरेशन के साथ रहा है। अगर मैं अभी करंटली देख लूँ तो आसिफ बाजवा से आप शुरू करें, तो शहबाज सीनियर वेरी रिस्पेक्टेबल, राना मुजाहिद भी जाहिर बीच में रहे, और ये इस वक्त जो करंटली जो हमारी फेडरेशन हैदर के एफर्ट्स सबके सामने हैं। तो अगर सेक्रेटरी या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट इसी कोशिश में लगे रहेंगे, और ये क्योंकि आजकल कोई चीज़ छुपी भी नहीं रह सकती, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें सही भी नहीं होती, फेक भी होती है, लेकिन एक प्लेयर जब ये देखता है कि टीम जो मैं जिस टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो जब तक उसको ये चीज़ नहीं पता लगेगी कि मेरी सपोर्ट के लिए मेरे पास कोई मतलब एक एनवायरनमेंट, एक प्लेइंग एनवायरनमेंट बनाई जाती है। और मैं माजत के साथ एंकर्स जो है ये बात करते हैं कि जीत लेके आए, दुनिया में कहीं भी जब तक एनवायरनमेंट नहीं दी जाती उस वक्त तक जीत नहीं आती, और ऑलरेडी हॉकी की एनवायरनमेंट 90s तक देखें, अर्ली 90s तक बनी हुई थी कि आपके जो आपके चार वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक्स आए वो बगैर एनवायरनमेंट के नहीं आए, क्योंकि जॉब्स थी। तो जब तक हॉकी को कैरियर ओरिएंटेड बनाएगा और कैरियर ओरिएंटेड बनेगी तो ये सारे मामलात आपके जो हैं वो हल होंगे। इसके लिए अब क्या करना है, मेरी तो तमाम अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ और मेरे जो साथ खेले हैं या मुझसे जूनियर हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके किसी ना किसी तरीके से हॉकी को कैरियर ओरिएंटेड बनाएं, कैरियर ओरिएंटेड बनाते हुए नजर आएंगे। तलत साहब क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से, आप कोच भी हैं KDA के और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा एजुकेशन के स्पोर्ट्स को भी देखते हुए नजर आते हैं, तो एजुकेशन मामलात में स्पोर्ट्स का अमल दखल कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं KDA का कोच था, एक्स हो गया हूँ, ठीक है ना। अब मैंने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया, आजकल मैं अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्पोर्ट ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो हॉकी की आप बात कर रहे हैं, जो बर्बादी या तबाही की क्या वजह है, अच्छा मज़े की बात ये कि पाकिस्तान में कभी भी हॉकी में काम हुआ ही नहीं। अच्छा, जब इस तारीख अगर हॉकी पे काम कभी भी आप कह रहे हैं, नहीं हुआ, हमने तो इतने टाइटल जीत लिए हॉकी में, शायद इससे ज्यादा टाइटल किसी खेल में हमने हासिल नहीं किया। एग्जैक्टली जब पाकिस्तान आजाद हुआ ना 1947 में, तो आपको पता है पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1948 में। ये बात शायद किसी ने आज तक कभी नहीं करी, मैंने पूरी तारीख पढ़ी है। तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ओलंपिक में शिरकत कर लो,
आपको पता है इस वजह से कि काम नहीं किया जा रहा है, उनको ये पता था कि जो हमारा पार्टीशन हुआ ना इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया से जो माइग्रेट फैमिली करके आए थे वो प्लेयर थे, और आपको हिस्ट्री उठा के देखे इंग्लैंड में ना पाकिस्तान ने चौथी पोजीशन ली थी। इसका मतलब हुआ पाकिस्तान ने हॉकी के जो गोर में ले लिया कभी काम नहीं हुआ, उनको कुदरती तौर पर लोग मिले और उसको लेके वो चले। आप ऐसे स्क्वाश देख ले, जो स्नूकर देख ले, कभी काम नहीं किया, ये कुदरती हुआ, लोगों की फैमिली थी, वो फैमिलीज के बच्चे वो लोग बेचारे 94 तक रहे जिंदा, मर गए, हॉकी खत्म हो गई। अब आ जाए, अब इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अच्छा, क्लब तो है नहीं हमारे पास, इसलिए कि हॉकी क्लब में तरह साहब हम देखते हैं कि तकरीबन 30-35 साल के एज वाले जो है प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो क्लब तो बिल्कुल खत्म हो गए। अच्छा, क्लब जो है ना पहले ऑर्गेनाइजर भी होते थे, अच्छा पहले सस्ता खेलता, हॉकी ये बहुत महंगा खेल है, ऑस्ट्रेलिया आने के बाद हॉकी मतलब चीप खेल नहीं है, ये फुटबॉल नहीं है, ये हॉकी है, हॉकी इंडिविजुअल होती है, हर बंदे के पास उनके शूज होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब क्लब को तरफ दी जा सकते हैं, मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूट जैसे इदारे हैं, कॉलेज है, कॉलेज स्कूल लेवल पे हॉकी होना चाहिए। हमारा इदारा अलीगढ़ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ने ये कदम उठाया है, केचे मतलब हैदर हुसैन से बात करके उन्होंने हमें ग्राउंड दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपने बच्चों को वहाँ ले जाता हूँ और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग कराने की कोशिश करता हूँ और मैं उनको ट्रेनिंग करा भी रहा हूँ। ओलंपियन हनीफ खान भी हमारे साथ है, वो भी हमारी मदद करते हैं, वो सर सैयद और अलीगढ़ के स्पोर्ट्स कंसल्टेंट अपॉइंट हैं, वो हमारी हमारे साथ है, तो हम बेहतर मतलब मैं मेरी मजीद क्या बेहतरी होगी इस पे मजीद भी बात करेंगे। मदर साहब की बात होते हैं, मदर साहब क्या कहेंगे जिस तरह कौमी टीम का ऐलान हुआ, इसमें हम देखते हैं कि नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को टीम में शामिल किया है, गो कि उन्होंने 6 मैचेस में 24 विकेटें हासिल की डोमेस्टिक में, लेकिन अगर जातियों की बात करें तो मीर हमजा मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, 450 से ज़्यादा विकेटें हो गई हैं मीर हमजा की, लेकिन उसे सेलेक्ट करते हुए नज़र नहीं आए कौमी सेलेक्टर। देखिए हम ये जो है ना एक देखें प्लेयर बनने में बहुत टाइम लगता है, एक जो है ना अपना अंडर 19 खेला उसने, अंडर 19 से वो फर्स्ट क्लास में आया, कायद अजम ट्रॉफी खेली, उसने कितने मैच खेले, उसके बाद उसने परफॉर्मेंस दी, आपने एक टेस्ट में उसको खिला के उसके बाद उसको गायब कर दिया। देखें प्लेयर इस तरीके से और आसानी से नहीं बनते, ये आप ऑर्गेनाइजर से पता करें और जो जिन लोगों के क्लब में ये लोग लड़के खेलते हैं उनसे पता करें कि उनकी कितनी मेहनत इसके पीछे शामिल है। और आप जो है एक लड़का जो है परफॉर्मेंस मुस्तकिल तौर पर कायद अजम ट्रॉफी में दे रहा है और आप जो है उसको इग्नोर करके एक बिल्कुल नया लड़का लेकर आ जाते हैं। देखिए हमें जो है जो एस्टेब्लिश प्लेयर होते हैं उनको ही लेना चाहिए, ना कि आप बिल्कुल एक नया जो है एक इनिंग्स या दो इनिंग्स या एक सीजन में प्लेयर ने रन किए होते हैं या विकेटें ली होती हैं हम उसको। लेकिन मोहम्मद अली दो सीजन से अच्छी देखिए अभी आपकी बॉलिंग लाइन में आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर नहीं शामिल, आपने जो है जय आमिर को भी बात कर दिया, बाब रियाज को भी बात कर दिया, आपके पास कोई ऐसे बॉलर नहीं है, जो वसीम है या आपके पास जो है हारिस रऊफ है। देखिए आपको टेस्ट मैच में स्पीड से ज़्यादा आपको स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग सारी वैरायटी चाहिए होती है, और मैं नहीं समझता कि वसीम और जना अभी इतनी जल्दी जो है आके जो है टेस्ट में परफॉर्मेंस देंगे। देखें 4 ओवर T20 में कर लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लगातार 10-10, 12-12 ओवर्स का स्पेल करना पड़ेगा। अब इनकी फिटनेस को पता चल जाएगा भाई इनकी कितनी फिटनेस है, या ये T20 के ही प्लेयर हैं या टेस्ट के भी प्लेयर हैं, आपने ले तो लिए पता चल जाएगा। देखें जो है पाकिस्तान क्रिकेट की जो बात आप कह रहे हैं, जो अभी जो हॉकी की बात हो रही है बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, हम जो है जो क्रिकेट के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो कुछ इस वक्त क्रिकेट के साथ जो हो रहा है वो सब कुछ जो है हॉकी के साथ हो चुका है, और हॉकी इस वक्त इस नेज पर आज पहुंच चुकी है कि उनके पास जो है ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, उनके पास क्लब्स नहीं है, तो इस वक्त जो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो काम कर रहा है वो बिल्कुल हॉकी जैसा कर रहा है आज, जिस यानी कि आप समझते हैं आने वाले वक्तों में शायद हॉकी की तरह क्रिकेट का भी हाल होता है। आपको देखें जो कुछ हो रहा है इस वक्त जो है हॉकी वाले हमारे दोस्त बैठे हुए इस वक्त जो है ना क्लबों को रो रहे हैं क्लब्स नहीं है, ठीक है, और इस वक्त जो है ना उनके पास जो है फंड्स की प्रॉब्लम है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है 5,500 क्लब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एफिलेटेड भी हैं, एसोसिएटेड भी हैं, जैसे भी हैं, इस वक्त जो है ना जो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उस क्लब क्रिकेट पर ग्रास रूट पर पाकिस्तान पैसा नहीं लगा रहा, जो पैसा लग रहा है वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्लब्स पे और नीचे से जो लड़के आ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजर्स लगा रहे हैं,
जो 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 लोग शौक जिनके क्लब्स हैं वो लगा रहे हैं, अगर ये अगर इनको आप खत्म कर देंगे ऑर्गेनाइजर्स को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है हॉकी की तरह, तो ये आज जो है जिस तरीके से ऑर्गेनाइजर्स को और पैसा ढूंढ रहे हैं हॉकी वाले, इसी तरीके से जो है क्रिकेट में थोड़े अरसे के बाद आप ऑर्गेनाइजर को भी ढूंढते रहेंगे और आपके पास प्लेयर भी नहीं मिलेंगे। आज आप देखेंगे अगर आपके पास इतने क्लब्स हैं तो इसको हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें कोई पैसे दें या आप हमें हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, आप हमें जिस तरीके से हम लोग चल रहे थे, जिस तरीके से हमारा काम चल रहा था, जिस तरीके से हम लोग प्लेयर बना रहे थे, मेहनत करते थे, हमें उसको कम से कम वो करने थे, ना कि आपने ऑर्गेनाइजर्स को उठा के बाहर फेंक दिया अपनी मोनोपोली लेकर आने के चक्कर में। क्रिकेट जो है ना क्रिकेट क्रिकेट इसको बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको जो है ना चमकता दमकता सितारा है, प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है, इसके अंदर जो है पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है। देखिए जब हॉकी थी, जब हॉकी खेल रहे थे उस वक्त जो है हमने ओलंपिक भी जीता, वर्ल्ड कप भी जीता, हमने जो है कितनी चैंपियन ट्रॉफियां भी जीती, उस वक्त हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस वक्त कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं थी। इसी तरीके से इस वक्त हमें क्रिकेट में फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं, मगर जिस तरीके से आप जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल को जड़ें काट रहे हैं, अगर ये जड़ें कट गई और आज से जड़ें कट गई तो हमें भी मुश्किलात क्रिकेट में भी दरपेश हो सकती है। अदनान अशरफ साहब, जिस तरह अभी बात हो रही है ग्रास रूट लेवल की, तो हम देखते हैं कि हमें पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्कॉच और हॉकी में हमने बड़े मुकाम हासिल किए, बड़े टाइटल जीते, हमने वहां पर ग्रास रूट लेवल पर काम करते हम दिखाई नहीं। आज अगर हम ग्रास रूट लेवल पर काम करते दिखाई देते तो हॉकी के भी अच्छे प्लेयर हमारे पास मौजूद होते, उसके साथ स्कॉच के भी अच्छे प्लेयर मौजूद होते। देखें अगर हम 25 साल 30 साल पहले जाएं पीछे तो हमारे पास वो स्ट्रक्चर एक्सीडेंटली मौजूद था, जिस तरह तलत साहब ने मेंशन की है कुछ चीज़ें। मसला ये है कि हम जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने साथ इंगेज नहीं करेंगे, एक तो है इस वक्त करंट प्लानिंग जो इस वक्त पाकिस्तान टीम खेल रही है, इसके लिए क्या होना चाहिए इज़ अ डिफरेंट थॉट, कि इनके लिए शॉर्ट टर्म जो है कैंप्स लगने चाहिए, इनको अवेयरनेस ऑफ द फिटनेस देना चाहिए और जो इस जो प्लेइंग स्ट्रक्चर है उस पर काम होना चाहिए। अब उससे और थोड़ा नीचे आएँ, जो एरियाज के अंदर हॉकी हो रही है, जब एक एक बच्चा जो क्लब खेल रहे हैं या जो ग्रास रूट लेवल बच्चे खेल रहे हैं, जब वो प्लेयर ऊपर आते हैं नेशनल स्ट्रीम पे आते हैं या फिर इंटरनेशनल पे आते हैं, तो वहाँ उनको प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चर की। तो ये अवेयरनेस जो है ग्रास रूट लेवल से शुरू की जाए। अब इसके लिए मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे और अपने दोस्तों से ये बात कर चुका हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अगर चार डिपार्टमेंट भी, चार से पाँच डिपार्टमेंट भी हम इंगेज कर लेते हैं अपने साथ, तो हर हर प्रोविंस के अंदर अगर वो चार स्कूलों पे काम करें तो ये कितने हो गए, ये 80 हो गए, तो चार प्रोविंस में आपके कितने हो गए, ये 320। और जब हम इन चार डिपार्टमेंट को तमाम प्रोविंस के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 से ज्यादा बच्चा होगा। लेकिन आप 1000 से ज्यादा बच्चों के लिए हॉकी इंटरेस्ट समझने बच्चों के अंदर इतना है नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जब डिपार्टमेंट्स को एंगेज करेंगे तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो जो है बच्चों को स्टाइपन और स्कॉलरशिप और कम्युनिटी को एंगेज करें, पेरेंट्स को एंगेज करें। और ये काम इतना मुश्किल नहीं है, यानी ये काम जिस तरह हम देखते हैं कि सोशल सेक्टर में बहुत से काम हो रहे हैं तो कम्युनिटी को किस तरह इंगेज किया जाता है, तो इस तरह उनको इंगेज किया जाए। लेकिन इसके लिए हमें 100% जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के डिपार्टमेंट्स को अपने साथ इंगेज करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि वालदैन को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो वालदैन कैसे लेंगे जब उसमें फ्यूचर नजर ना आए बच्चे का। देखिए जब बच्चे का स्कॉलरशिप मिलेगी, उसको स्टाइपेंड मिलेगा, और वो अगर एक स्कूल में फॉर एग्जाम्पल 2000 बच्चे हैं उसमें से 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उन पे काम होता है, और वो उन पे जो काम हो रहा है, उन पे जो वर्किंग हो रही है, उनको डोर स्टेप पे उनको हॉकी सिखाई जा रही है। लेकिन जब हमने तो इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट भी खत्म कर दिया। इंटर स्कूल आपका जरूर हो सकता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी क्लब हॉकी खत्म हो चुकी है। जो आप बात कर रहे थे ना कि 30-35 साल के, तो जो पहले 30-30 साल के प्लेयर्स खेल रहे होते थे तो उनके साथ 15-16 साल का बच्चा जो है ना, एक अपकमिंग प्लेयर भी लगा था, हम भी ऐसे ही जो डेवलप हुए थे, हमारे साथ जो जूनियर प्लेयर वो भी ऐसे, वो उन सीनियर्स को देख के सीखते हैं। लेकिन वो कब आएंगे, जब उनको ग्रास रूट लेवल पे स्टाइपन स्कॉलरशिप जो अनाउंस की जाएगी, इसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर पे बिल्कुल स्कॉलरशिप की बात हो रही है, तो इससे ज्यादा बेहतर कोई भी तलत साहब से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बताया। तलत साहब क्या कहेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से? मैं स्कॉलरशिप भी अपने तरह अहम है, लेकिन अगर आप पीछे 25 साल पहले चले जाएं, 20 साल पहले जब हमने हॉकी शुरू करी थी, तो उस टाइम कराची में तकरीबन 15 डिपार्टमेंट थे, तो जो बच्चा हॉकी थोड़ी सी भी खेलता था ना, वो आराम से अपॉइंट हो रहा था। अब वो डिपार्टमेंट का नाम बताता हूँ मैं, केडीए की टीम बहुत अच्छी होती थी, वाटर बोर्ड की टीम अच्छी होती थी, पीएनएससी की होती थी, अभी एनसीबी की जूनियर, पीआईई की जूनियर, केपीटी की जूनियर, सीनियर टीम, तो यूबीएल की जूनियर टीम। अच्छा, हर बंदे को मतलब जॉब मिल जाती थी, मतलब हमने हॉकी स्टार्ट करी, थोड़ी देर में हमें मतलब पुलिस में जॉब मिल गई, फिर उसके बाद केडीए में जॉब हो गई,
तो हम तरक्की करते करते हमने अपनी पढ़ाई भी कर ली और डिप्टी डायरेक्टर भी बन गए और सब कुछ सही था। अब एक बच्चा जब हॉकी खेलने आता है जो भी, अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी ना तो वो हॉकी ना और या क्रिकेट वो छोड़ देगा। क्रिकेट के लिए भी हॉकी के लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में तवज्जो दे कि जो डिपार्टमेंट अभी छोटे बंद कर दिए इनको स्टार्ट कर दे। इसलिए कि जब कराची के भी ट्रायल होते हैं आप बिलीव करें 40 लड़का नहीं होता है, 22 लड़के आते हैं 22 सिलेक्ट हो जाते हैं और वो अपने टाइम से आते हैं। अभी आप पीछे चले जाए तो सिंध के ट्रायल होते तो 500 लड़का आते थे ट्रायल दे रहा, आप सोचे मजाक हो रहा है, यही हकीकत है। 500 में से 16 सिलेक्ट होते थे, तो अब वो 500 क्यों आते थे, इसलिए कि 8 डिपार्टमेंट के 1600 लड़के तो ट्रायल देते देते थे, क्लब भी थे और जेल में मतलब 40 क्लब होते थे। अब पूरे कराची में मैं समझता हूँ 10 क्लब भी ऐसे जेल में नहीं है जो बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हो और हॉकी खेल लो। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि ये जो बता रहे हैं ना, इसमें एजुकेशन सेक्टर में स्पोर्ट्स कोटा भी होते थे, यानी एक बच्चा सी ग्रेड डी ग्रेड लेके आता था मैट्रिक के अंदर और वो हॉकी खेलता था और वो डिस्ट्रिक्ट और कराची लेवल पे सिलेक्ट, उसको उसको डीजे कॉलेज या नेशनल कॉलेज ये चीजें इनको फोकस करना है। यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी, हमारे पेरेंट्स जो है ना वो जो इस चीज में इंटरेस्ट लेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो आगे जाके हॉकी खेले। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही है नान साहब, जिस तरह नान साहब कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त है। अगर दोबारा से हम देखते हैं कि जो स्कूल और कॉलेज के अंदर बाकायदा तौर पर जो दाखिले हुआ करते थे प्लेयर्स के, वो दोबारा अगर स्टार्ट हो जाए तो उससे बेहतरी और ज्यादा हो सकती है। इस पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी हमारी हॉकी के हवाले से, तो अब हम देखते हैं कि कराची के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं और टेबल टेनिस के हवाले से बात करते हैं। चैंपियन लीग्स का आगाज़ हो गया टेबल टेनिस तीसरा, और ये इस्लामिया क्लब में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा इस्लामिया क्लब में और 44 प्लेयर्स इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया क्योंकि इसका कल इफ्तिताह हो गया है बाकायदा तौर पर, तो ये एक छोटा सा पैकेज आप पहले देखें। तीसरी टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज आज से इस्लामिया क्लब में हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 44 प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जो खुद घर से आए गए। ये टूर्नामेंट 5 दिन तक जारी रहेगा इस्लामिया क्लब के अंदर। हमारी कोशिश है कि हमें अभी आपकी जो है इस टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों से भी बात कराएं, मुंतजमीन से भी बात कराएं और भी लोग जो इस टूर्नामेंट का हिस्सा है उनसे भी आप लोगों से जो है बात कराएं। आइए चलते हैं लोगों से बात। जिस तरीके के इवेंट अभी ऑर्गेनाइज हुआ है कराची के अंदर और एक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड जो हमने गुजारा है कोविड के बाद, तो इस किस्म के इवेंट्स होना तो बहुत ज़रूरी है और इस वक्त हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इंडोर आउटडोर जो भी है, तो वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है ना आवाम में एनर्जी आएगी और एक्साइटमेंट जो है ना बिल्कुल उसी लेवल पर पहुँचेगी। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि इवेंट का इफ्तिताह हो गया है। अब पहले से मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और हम लाहौर लायंस की टीम की मैं कैप्टन हूँ और हम अपना पहला मैच जीते भी हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है। गवर्नर साहब के बेटे आए हैं इवेंट का इफ्तिताह करने, तो काफ़ी अच्छा कदम है ये और मज़ा आएगा। हाँ, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है, सारे लोगों को भी पता चल रहा है और टेबल टेनिस जैसा जो इग्नोर गेम था उसको आज देख के यहाँ पर लग रहा है कि जो टेबल टेनिस को भी वो प्रायोरिटी मिलने वाली है और टेबल टेनिस को जो दूसरे मैचेस को, दूसरे गेम्स को, इंडोर गेम्स को जो मिल रहा है यहाँ पे भी होगा। और ये पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप को मैं खराज तहसीन पेश करूँगी कि फराज रहमान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है ताकि जो हमारे इंडोर गेम्स हैं उनको दोबारा से पाकिस्तान में भी प्रमोट किया जाए। और हमारा टैलेंट जो है वो टेबल टेनिस में, आपको पता है पिछले 22 साल से हम कोई चैंपियन नहीं निकाल सके, मगर ये सारे जो बच्चे जो मुस्तकबिल के मेहमान यहाँ खेल रहे हैं ये सब इंटरनेशनल खेल चुके हैं, सब नेशनल चैंपियन हैं अपने अपने एज ग्रुप के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इन पर थोड़ी सी तवज्जो और दे दें और हुकूमत हमारा साथ दे दे इसके अंदर और बिजनेसमैन हमारा साथ दें इसके अंदर, तो मैं समझता हूँ कि हम जो है वही मेडल जो फरजाद साहब जीत के लाया, जो नाजो शकूर जीत के लाई, जो आरिफ ना खुदा जीत के लेके आए, वही हम भी लेके आ सकते हैं। हमने यहाँ पर आपकी जो है खिलाड़ियों से भी बात कराई, खिलाड़ियों का यही कहना था कि खासकर जो ऐसे टूर्नामेंट के इनका उनके अंदर
हौसला मजीद बढ़ता है जबकि मुंतजीन और यहाँ पर आए हुए मेहमान गिरामी का भी कहना था कि खिलाड़ी जो है बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे टूर्नामेंट से उनके अंदर और ज़्यादा जोश पैदा होता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन सरफराज अली के साथ शहजादा मोइन, वेनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा, आप दोबारा हॉकी की तरफ वापस आते हैं। अदनान अशरफ से बात करते हैं मजीद ग्रास रूट लेवल के हवाले से हॉकी पे। अदनान साहब, क्या कहेंगे इस वक्त अगर हम देखें तो कौमी हॉकी टीम के अंदर जो है बहुत से नए बच्चे टीम में शामिल है, जिस किस्म की परफॉर्मेंस है हालिया अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने हॉकी नहीं दी है, तो समझते हैं कि फ्यूचर थोड़ा सा नज़र आ रहा है ब्राइट? देखें, फ्यूचर उस वक्त नज़र आएगा वो तो हमारी बात होगी कैरियर ओरिएंटेड, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन नए प्लेयरों को ना मैच प्रैक्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी अजलान शाह हो रहा था तो ये बात एक चैनल पे मैं ये बात कर रहा था तो मुझे ये बात बताई गई कि और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि साउथ अफ्रीका में भी जो है नए प्लेयर खेल रहे थे। तो मैंने कहा डिफरेंस जो दोनों टीमों में जो नज़र आया है वो सिर्फ ये नज़र आया है कि उनकी मैच प्रैक्टिस ज़्यादा है और वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली कम्फर्ट जोन में है। हमारा प्लेयर जो जा रहा है वो मेंटली कम्फर्ट जोन में नहीं है। क्या वजूहत हैं इसकी? इसकी वजूहत डेफिनेटली यही है कि क्योंकि जो कि जो फिर वही बात फाइनेंशियली भी आ जाएगी, प्लस फिर ये कि प्लेयर को टीम के अंदर रह के क्या वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक दे देता हूँ, ये क्रिटिसाइज़ नहीं है, ये प्रोफेशनली बात है। क्या स्पोर्ट्स मसाजर है टीम के साथ? नहीं है। क्या कोई सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी एक्सपर्ट है टीम के साथ? नहीं है। तो जब हम देखते हैं क्रिकेट में, हालांकि हम कमर्शियल और प्रोफेशनल का कोई जो है कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन दुनिया में आप ये देखें कि जितनी भी हॉकी की टीम है उनके साथ, और ये हमारे साथ आज से नहीं, हम जो 89-88 में जो वर्ल्ड कप खेले उस वक्त भी हमारे साथ कोई ऐसा मसाजर नहीं था या कोई ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, और प्रॉब्लम्स उस वक्त भी आती थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्लेयर को कॉन्फिडेंस देती हैं कि फैसिलिटीज़ उसके पास हैं और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, और वो जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है और फैसिलिटीज़ जब स्ट्रांग होती हैं उसको घर जब घर जब जब वापस जाता है उसके 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 पॉकेट में जब पैसे होंगे तो अपने घर को भी तो रन कर। लेकिन अदनान साहब, इसमें तो हमारे प्लेयर्स को ये नहीं पता होता, नौजवान प्लेयर्स को, जो अभी जिस तरह टीम के साथ हालात रहे हैं, खासकर अदनान शाह जीत कर आई, तीसरी पोजीशन पर रही, उसके बाद हमने देखा कि अभी साउथ अफ्रीका के लिए जाना था, उनको इमदाद की तलब होती हुई दिखाई दी आखिरी टाइम तक, फिर NOC के मसाइल होते दिखाई दिए। ये साइकोलॉजिकल जो है ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता एक प्लेयर पे, एथलीट पे। मैं आपको फिर मैं बात कर रहा हूँ, आप इंटरनेशनल लेवल पे किसी से भी इस चीज़ को डिस्कस कर लें, किसी भी एथलीट मींस किसी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन, ये साइकोलॉजिकल अच्छा प्लेयर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये सारी चीज़ें देखता है। और अब किसी चीज़ को छुपाना जो है मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो इस चीज़ को हम जो है ना कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बार बताता हूँ कि जो कोरिया से मैच हुआ है और कोरिया की जो बॉल पोजिशन है जो उन्होंने टॉप डी पे आके की है, उनकी जो स्पीड ऑफ द बॉल्स, जो बॉल के जो पोजीशन की स्पीड ऑफ द बॉल है वो पाकिस्तान से 50% बेहतर थी। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं कर रहा हूँ, ये प्लेयर आगे परफॉर्मेंस देंगे 100% दे, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी जापान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, और उस दिन गुड लक थी कि बारिश भी हो गई थी और एक्मैन जो है वो जापान की जो है वीकनेसेस को जानता था, ये हमारी गुड लक थी। और मैंने एक्मैन के बारे में अभी एक और चीज़ सुनी है कि वो 4 घंटे तो सोता है, इसका मतलब कुछ करता होगा ना वो। तो ये अगर जब तक हमारे कोचेज या हम जो लोग काम कर रहे हैं जब तक उनकी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होगी, उस वक्त तक प्लेयर को बनाने के लिए हम किस तरीके प्लेयर बनाने की बात हो रही है, तो हमने एक बहुत बड़ा प्लेयर प्लांटी की स्ट्रोक में अगर देख ले तो प्लांटी कॉर्नर मारने के लिए हमारे पास सोहेल अब्बास मौजूद हुआ करता था, लेकिन उसके बाद वो गैप आया। फिर हम देखते हैं कि सुफियान एक लड़का भी सामने आया है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, जिस किस्म की वो हिट करता है तो अच्छा प्लेयर नज़र आ रहा है, उस पर मेहनत करने की जरूरत। देखिए, इसके लिए मैं आपके चैनल से, जाहिर बात है सोहेल अब्बास खुद तो नहीं आएगा, ठीक है, सोहेल अब्बास क्यों नहीं आ रहा, सोहेल अब्बास की खिदमात लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो सोहेल अब्बास बना है इसके पीछे भी पूरी एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को भी आप देखें तो जिन प्लेयरों ने उसके साथ काम किया वो हम ये पहले हमारे साथ ही सोहेल अब्बास हमारे साथ UBL में था और ये हमारे साथ ही ग्रूम हुआ है। तो ये जो इस प्लेयर को बनाने में मैं यहाँ पे एक नाम ज़रूर लूँगा, शाहिद इस्लाम का बड़ा हाथ है, शाहिद इस्लाम जिसने 86 का वर्ल्ड कप खेला और एशियन गेम्स खेला, क्योंकि जब प्लेयर होते हैं ना बैक एंड जो हिस्ट्री होती है, बैक एंड जो स्टोरी होती है वो कुछ और होती है। तो मुझे ये समझने से कासिर हूँ कि सोहेल अब्बास को कोई भी फेडरेशन लेके नहीं आ सकी, क्या वजूहत है? ये तो मैं कहता हूँ कि उसके लिए कुछ इस तरह करना चाहिए कि उसको लेके आए, चाहे वो कुछ भी हो उसको मनाएं। अगर वो मनाने की बात हो रही तो उस पर ज्यादातर यही आया है कि सोहेल अब्बास चाहते हैं कि मैं अपनी मनमानी करूं टीम के अंदर आके, टीम सिलेक्शन पे इसमें भी बात हो सकती है, इसमें भी बात हो सकती है। उसे देखिए, कोई भी चीज जब टेबल पे आके जब आप दूसरे को स्पेस देंगे,
हम जब आपस में खींचातानी में लगेंगे तो काम नहीं होगा। हम जो है दूसरे को भी स्पेस दें और उसकी बात को सुने और उसको देखें ना, हमारे यहाँ जो भी जॉब्स हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जो भी जॉब्स मिलती हैं क्या वो एडवर्टाइज होती हैं? क्या उससे प्लान मांगा जाता है? नहीं होती ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं। जब आप प्रोफेशनल चीज़ें करेंगे तो आपके सामने लोग भी फिर उसी तरह के आएंगे। बिल्कुल, लोग भी उसी तरह आएंगे। मजीद भी बात करें, मज़हर साहब के पास आते हैं। मज़हर साहब, इस टीम के अंदर, स्कॉट के अंदर हम देखते हैं कि सरफराज की वापसी हुई है, समझते हैं कि उन्हें टेस्ट टीम का 11 रुकनी जब इंग्लैंड खिलाफ पहला टेस्ट पिंडी में खेला जाएगा उसे चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? गो के मोहम्मद रिजवान के होते हुए हमने T20 के अंदर देखा कि मोहम्मद हारिस भी खेलते नजर आए थे। नहीं, मैं नहीं समझता कि देना, जिस तरीके से जो है पहले अपना सरफराज को साथ जो है ना कितनी सीरीज़ में साथ लेके गए, साथ बिठाया है, उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया। अगर मैं समझता हूँ कि जो है ना अगर इसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दें थोड़ा सा, जो है ना सरफराज के साथ जो है ना अगर रिजवान और उनका कैप्टन जो है अगर थोड़े खुले दिमाग से और ओपन माइंड होकर कर रहे हैं तो जो है वो सरफराज जो है वो विकेट कीपिंग कर सकता है, और जो है ना रिजवान जिस तरीके से जो है ना फील्डिंग में वो फील्डिंग करता भी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना एज ए विकेट कीपर जो है सरफराज को ले ले और उसको मिडिल ऑर्डर में अच्छा आपके पास जो है ना बैट्समैन मिल जाएगा और इसके साथ जो है रिजवान जो है ना एज ए बैट्समैन आप खिला दें तो ये तो हो सकता है। मगर जो है ना हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा यह है कि कोई भी बंदा जो है अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि जो है ना अगर हमने जगह छोड़ दी और अगर सरफराज ने परफॉर्मेंस दे दी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अभी डोमेस्टिक कायदे आजम ट्रॉफी में तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है हर जगह। देखें हमारे जो है ना जो कायदे आजम ट्रॉफी है इसके जो हमारे एक सिंबल आता है कि जो है ना जो भी पाकिस्तान का जो है जो हाइएस्ट जो है ना रैंक का जो है टूर्नामेंट होता है, जो भी प्लेयर जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं वो पाकिस्तान टीम के अंदर जो है इंडक्ट कर दिए जाते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात यह है कि जो जिन लड़कों ने जो है परफॉर्मेंस दी है क्या वो परफॉर्मेंस देने के बाद जो है वो पाकिस्तान टीम में क्या लिए आपने? ठीक है, आपने इब्रार को ले लिया है, एक दो लड़के और ले लिए, क्या आप उनको चांस देंगे? अगर देखें इस वक्त वो फॉर्म में, जब कोई प्लेयर जो है ना फॉर्म में होता है और आप उसको जो है ना चांस देते हैं तो वो भी परफॉर्मेंस और जो है ना और अच्छी करने की कोशिश करता है। जब हमारा लड़का जो है वो बिल्कुल फॉर्म में होता है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा होता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, आप उसको साथ लेके तो जाते हैं मगर उसको बेंच पे बिठा देते हैं। जब उसकी फॉर्म जो है आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है जब फिर उसको आप चांस देते हैं, जब उसको चांस देते हैं तो उस वक्त जाहिर बात है उसके ऊपर प्रेशर भी होता है और उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई अगर तुम्हें ये वाला टेस्ट तुमने खेलना है, ये वनडे खेलना है, उसके बाद यही उसके बाद जो ना माइंड में होता ही नहीं है कि मैं भी अगर मैं इस वाले मैच में फेल हो गया तो अगले मैच में तलत साहब डायरेक्टर आप स्पोर्ट्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर हम देखते हैं ग्राउंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्या इस पर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना काम किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई ग्राउंड किसी स्कूल के पास होना बिल्कुल महाल है। सिर्फ हमने तो अपनी ज़िंदगी में जो देखे एक दायरा अभी पब्लिक स्कूल के पास अपना एक ग्राउंड होता था वही एक ग्राउंड है। तो अभी उनके पास पार्किंग के मसाइल होते हैं, अच्छा उनको अब ये चाहिए इदारों को कि वो मतलब जो ऑलरेडी मतलब ग्राउंड बने हुए उनसे वो कांटेक्ट करके ना वहां पे अपने प्लेयर को। लेकिन तलत साहब हॉकी की अगर हम बात करें, ग्राउंड्स कांटेक्ट की बात कर रहे हैं तो हॉकी में भी तो हमारे पास अब ग्राउंड जो है गिने चुने रह गए हैं। अगर हम यूबीएल की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर आप देख ले जाकर उसका क्या हाल है, एस्ट्रो टर्फ का। इफ्तिखार सैयद की बात कर ले तो वहां हॉकी होती नहीं है, ग्राउंड जरूर मौजूद है लेकिन हॉकी होती नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन हॉकी नहीं होती, वो तो वहां जाओ तो वो तो तकाजा करते हैं, पैसे मांगते हैं। लेकिन जो अभी कराची में कराची हॉकी एसोसिएशन का जो ग्राउंड है वो वाइट ग्राउंड है, वो बिल्कुल पैसे का तकाजा नहीं करते और वो फैसिलिटीज देते हैं। तो मैं समझता हूँ गुलशन इकबाल के इलाके में जो भी इंस्टीट्यूट है वो मतलब केचे के इस ग्राउंड की फैसिलिटीज से फायदा उठा के अपनी टीमें बना सकते हैं। बिल्कुल, केचे की फैसिलिटी से फायदा उठा सकता है। अन्ना साहब जिस तरह भी ग्राउंड्स की बात हो रही है तो ग्राउंड से तलत साहब खुद कह रहे हैं कि एक से दो ग्राउंड्स हमारे पास है, तो बच्चा अगर डिफेंस में रहता है तो केचे गुलशन आना पड़ेगा, औरंगी में रहता है तो केचे आना पड़ेगा। क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे क्योंकि ये हमारा कौमी खेल है? देखिए इसके लिए बहुत आसान सी बात है कि एक सर्वे हो जाए कि किस एरिया में कौन सी जगह है और जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ना उनमें स्पेस मौजूद है, सिर्फ उसको डेवलप करने वाली बात है।
पर्सनली जो लेकिन कौमी खेल के लिए कोई आगे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके अंदर अट्रैक्शन डाला ना, उसमें आपने 5-on-5 कराना है ना। देखिए इंडोर हॉकी भी तो हो रही है ना, ये मैंने एक सजेशन दी थी एक चैनल पे कि ये जो हमारी डिफेंस है ना, जो हमारी पाकिस्तान टीम की डिफेंस है, इसको मजीद इन्हेंस और डेवलप करने के लिए इंडोर हॉकी खिलाया जाए, क्योंकि मोस्टली हॉकी जो है ना वो आपका बिल्कुल ग्राउंड से लगा के और उसमें बड़ा क्विक जो है ना बहुत ही शार्प किस्म की ना पासिंग होती है। तो ये जो इंडोर हॉकी है ये इस लेवल पे जो इलाके सर्वे करके और स्कूलों के अंदर जगह को डेवलप करके, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर तो हो सकती है क्योंकि उनके पास इतने स्पेस होते हैं जिस किस्म के आप तजिया दे रहे हैं। जी 100% यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे पास जो स्टूडेंट आएगा वो 20 साल से ऊपर का होगा, तो वो हमारे पास टैलेंट तो नहीं होगा, वो तो टाइम पास के लिए आएगा। हमें काम करना है 12-14 साल के बच्चों के ऊपर, यानी कि स्कूल लेवल से स्कूल लेवल पे हमें काम करना है, और ये 3 साल का कम से कम प्रोजेक्ट हो। जब तक लॉन्ग टर्म हम इस प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर को इंगेज नहीं करेंगे अपने साथ, इसके लिए सर्वे कर लिया जाए। देखें जब आप ड्यूटीज असाइन करते हैं ना, जब आप टीम बनाते हैं तो इसमें प्रोफेशनल लोगों को इंगेज करें, और जब प्रोफेशनल लोग जब काम करेंगे अपनी रिपोर्ट देंगे तो उसमें चीज़ें बड़ी पॉजिटिव आएंगी, और उस पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर पेपर वर्क के ऊपर फिर काम किया जाए। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं होगा, मतलब उसके साथ उसको एग्जीक्यूट करने का भी, यानी अगर कोई प्रपोजल दे रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करने का भी एग्जाम्पल सेट करें कि एग्जीक्यूट हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन बात वही है कि इसके लिए आपको। लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि स्कूल लेवल से शुरू करना चाहिए, तो एकेडमीज भी तो हमारे पास बहुत कमी है एकेडमीज की। देखें एकेडमीज में एक बच्चा अगर मिसाल के तौर पर यूवीएल में एकेडमी थी पास्ट में, वो बच्चा मलीर से आता था, एयरपोर्ट से आता था, इतनी दूर से आता था, ठीक है। उस बच्चे को जाहिर बात है कि घर से वो निकला है और घर वापस आना है तो उसको किराया भी चाहिए, ठीक है, उसको फिर जना उसको उसकी डाइट का भी मसला है, ठीक है, और फिर वो अपनी ट्यूशन को भी छोड़ के आ रहा है। तो अगर हम इसको इलाका वाइज कुछ इस तरह का स्कूल्स और सर्वे करके उनको डेवलप किया जाए, और ये काम इतना मुश्किल, सिर्फ सिंसियर होना है इस चीज़ पे, और जो जिस जगह की डेवलपमेंट पे जो बजट है जो पैसा है वो उस जगह पे लगे, सिर्फ इतनी सी सिंसियरिटी चाहिए। तो आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि पैसा सही जगह पे लगे। मौजूदा इस वक्त जो आप देखते हैं कि जो हमारे पास है सिलेक्शन कमेटी है कौमी हॉकी टीम की, वो सही काम करती दिखाई दे रही है? देखें कोई भी सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे पास्ट की हो या अभी की, या उस वक्त जो हम ओलंपिक वर्ल्ड कप हमारे पास टाइटल थे, जो अवेलेबल स्टफ होता है ना उसी में सिलेक्शन होती है, तो हमारे पास अवेलेबल जो स्टफ है उसमें से। लेकिन आपने जाने से पहले हमने देखा कि हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स लीग खेलने में ज्यादा मसरूफ हो गए, वो पाकिस्तान के कौमी हॉकी टीम को तरजीह देते हुए नजर नहीं आए, फिर हमें जूनियर खिलाड़ियों पर इंतजार करना पड़ा और जूनियर खिलाड़ियों में परफॉर्म। दिस इज द डिजास्टर, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि एक प्लेयर प्रोफेशनल प्लेयर पाकिस्तान नेशनल टीम को छोड़ के वो लीग खेला। लेकिन हमें इसकी वजूहात पे भी जाना चाहिए, हमें उस चीज को भी देखना कि उनके माइंड में क्या बात चल रही है। तो जो मुल्क से ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखे ना, जब देखें उनको पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है ना, वो क्या वजूहत है मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, और इन्होंने पैसे दिए इसमें भी डिटेल में, ये तो यार ये तो प्लेयर का राइट है। अगर वो प्लेयर जाके बाहर जाके वो खेल रहा है तो हम सबसे पहले देखें वो जाके क्यों खेल रहा है। फिर डेफिनेटली उनके होते हुए हम 18 पे थे तो कोई बहुत बड़ा तो मतलब कोई कारनामा तो नहीं हुआ था ना। लेकिन प्लेयर कोई भी हो, चाहे वो या जो अब खेल रहे हैं, इनको फाइनेंशियली आपने कंफर्ट जोन में लेके आना है। बिल्कुल फाइनेंशियली तौर पर लेकर आना है। मजर साहब है इस टीम के अंदर हम देखते हैं जो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपन करते नजर आएंगे वन डाउन पोजीशन पे, आप किसको देख रहे हैं? बाबर आजम दोबारा होते हुए वन डाउन पोजीशन पे आएंगे या टू डाउन? देखें अब तो अब हम जो है ना पाकिस्तान टीम की जो पोजीशन है इसमें जो है ना कोई भी कुछ भी हो सकता है और कोई भी जो है प्रेडिक्शन करना ही बेकार है। मेरे ख्याल में तो वन डाउन जो है ना जो अजहर अली खेलेगा, उसके बाद मैं अब अगर अजहर अली खेलते हैं तो फिर सलमान अली आगा मुश्किल है उनका खेलना, क्योंकि मिडल ऑर्डर में फिर शान मसूद खेलते हुए नजर आएंगे आपको। देखिए इस वक्त जो है ना जो सिचुएशन है काफी अरसे के बाद जो है ना टेस्ट हो रहा है और अभी जो है T20 और जो है वनडे का जो सिलसिला चल रहा था, इस वक्त जो है ना पाकिस्तान टीम के पास जो अवेलेबल जो प्लेयर है वो एक्चुअल जो पोजिशन पे खेलने वाले प्लेयर है ही नहीं। तो जो है आप लड़कों को एडजस्ट कर रहे हैं, जो कुछ जो ओपनर हैं आप उनको मिडल ऑर्डर खिला रहे हैं, जो मिडल ऑर्डर के प्लेयर हैं आप उनको हेज ओपनर खिला रहे हैं। तो इस वक्त जो है आपके पास देखें सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास स्टफ इसको मौजूद नहीं है। आपने जो ग्रास रूट लेवल पे जिससे देखें अभी जो ये जो हॉकी की बात हो रही थी, मैं यकीन करें कि जो है ना जिस तरीके से खौफनाक इन लोगों ने जो है ना जो तजिया किया है और ये हमारे साथ होने वाला है।
अब यकीन करें कि जो है जो इन्होंने तजिया किया इस वक्त मेरे माइंड में वही चीज आ रही है कि बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज हमारे साथ होने वाली है, जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे जो है ना खत्म जो है ना जो जड़ें काटे जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नवीद आया तो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, स्कूल टूर्नामेंट करा रहे हैं। अच्छा, आपने दो मिनट हो ना तो मैं आपको स्कूल टूर्नामेंट, देखिए स्कूल टूर्नामेंट करवाने, देखे स्कूल टूर्नामेंट आपने करवाए, आपने करवाया क्या भाई, आपके पास स्कूल के अंदर जो है ना प्लेयर ही नहीं है। अच्छा, स्कूल स्कूल की जो टीमें बनी है वो चार चार स्कूल्स की टीमों को मिला के चार चार स्कूल्स को मिलाया और उसके बाद आपने 11 लड़के किए। अच्छा, जो लड़के लेकर आए उनके पास किटे नहीं है, आप सोचें कि जिनके पास किटे नहीं है, जो जिनके पास जूते नहीं है, जिसके पास किट्स नहीं है, तो वो क्रिकेट के, इसका मतलब है कि उन्होंने क्रिकेट जिंदगी में हार्ड बॉल खेली नहीं है, उन्होंने उन्होंने जो जो खेला वो टैप बॉल खेला। जिनके पास किट्स मौजूद है, जिसके पास जो है एनवायरमेंट मौजूद है, आप उनका टूर्नामेंट क्यों नहीं करवाते? आप जो है अब देखें, आप हर चीज का एनवायरमेंट चेंज होता है। अभी इन्होंने बोला जी जो है ना आप जो है ना जो है ना स्कूल लेवल से जो है ना बिल्कुल आखिरी बात है, थोड़ी सी बात अदनान साहब से कर ले। अदनान साहब आखिरी सवाल है कि हॉकी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन, हॉकी को हम सिर्फ इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पर ही काम करें और उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को इंगेज किया जाए और जो जो लेटेस्ट मॉडर्न हॉकी है उसको ग्रास रूट लेवल से उनको अवेयरनेस दी जाए और इसमें साथ साथ जो कोचेज हैं उनको भी उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, एक मॉड्यूल बनना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे कि वो कोचिंग क्या है। देखें, हिटिंग, पुशिंग, ड्रिबलिंग, मूव विद द बॉल, रन विद द बॉल, दीज आर द बेसिक्स। लेकिन जब हम प्लेइंग स्ट्रक्चर पे आते हैं तो इस वक्त हमारे पास है, टाइम कम है। तलत महमूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अदनान अशरफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मजहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तितम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब खिलाड़ी परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाजत दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।